तो गाइज, अगर आपका भी एक YouTube चैनल है और आप भी अपने चैनल को मोबाइल से मैनेज करते हैं YouTube Studio ऐप से, तो यहाँ पर YouTube Studio ऐप में जो है काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने मोबाइल से चैनल को मैनेज करने में। तो क्या ही अपडेट, क्या आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जिस पर कि मैं आपको क्या चेंजेस हैं YouTube स्टूडियो में वो बताता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अपने मोबाइल में YT स्टूडियो ऐप करके ओपन करके यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या इसमें अपडेट मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो अपडेट है वो अभी सारे क्रिएटर्स को नहीं मिला है, केवल कुछ ही क्रिएटर्स को ये अपडेट मिला है। तो आपको ये अपडेट अभी तक मिला है या नहीं मिला है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर मेरा YT स्टूडियो ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एनालिटिक्स का पार्ट है, उसमें व्यू मोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने नया अपडेट जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओवरव्यू यहाँ पर पार्ट है, उसमें व्यूज का जो एक कार्ड जैसा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, साथ ही ग्राफ इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर जो आपका रीच का ऑप्शन है, उसमें भी आप जाएंगे तो इंप्रेशन और ये सब चीज़ें जो हैं आपको एनालिटिक्स से कार्ड के और ग्राफ के टाइप से देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे इंगेजमेंट में भी आप जाएंगे, ऑडियंस में भी आप जाएंगे, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट जो भी एनालिटिक्स होते हैं वो सब ग्राफ के रूप में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये जो फीचर है वो पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे ही था, लेकिन YouTube ने इसको अब मोबाइल एप्लीकेशन पर देकर जो है मोबाइल यूज़र्स के लिए काफ़ी ईजी कर दिया है। अब इसके थ्रू आप अच्छे से अपने एनालिटिक्स को देख सकते हैं और अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको डेटा देखने के लिए मिलता है वो लास्ट 28 डेज़ का देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं ज़्यादा दिन, या फिर अपने हिसाब से एनालिटिक्स देखना चाहते हैं, तो आपको ये कार्ड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा, और उसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें से आप अपने जो भी डेज़ के लिए आप देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट 90 डेज़ या फिर लाइफ टाइम या फिर किसी भी मंथ के लिए उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना जो ग्राफ है वो देख सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। आपको ये अपडेट कैसा लगा है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।